जंक्शंस ब्रेकडाउन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन और दूसरा होता हमारा जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एवलांच ब्रेकडाउन किसे कहते हैं। तो एवलांच ब्रेकडाउन देखिए, रिवर्स बायस में धारा का जो प्रवाह होता है, रिवर्स बायस में धारा का प्रवाह माइनॉरिटी वाहकों के कारण, माइनॉरिटी वाहकों के कारण होता है। यदि रिवर्स वोल्टेज बहुत अधिक हो तो माइनॉरिटी वाहकों की गति बहुत अधिक बढ़ जाती है। माइनॉरिटी वाहकों की गति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, जब कोई अधिक गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल परमाणु से टकराता है। देखिए एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में थोड़ा देखिए, जब कोई अधिक गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल परमाणु से टकराता है तो वह परमाणु का स्वसंयोजी बांध यानी कि कोवैलेंट बांड तोड़कर इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देता है। देखिए ध्यान सुनिए, जब कोई अधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल परमाणु से टकराता है तो वह परमाणु का सहसंयोजक बांध यानी कि कोवैलेंट बांड क्या करता है, तोड़कर इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देता है। ठीक है, फिर देखिए, जिससे इलेक्ट्रॉन होल्स युग्म यानी कि पेयर बन जाता है। इस प्रकार के उत्पन्न आवेश वाहकों को भी उच्च वोल्टेज के कारण गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हो जाती है। तथा वे भी इलेक्ट्रॉन होल्स युग्म उत्पन्न करते हैं। ठीक है, देखिए एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में तो इस प्रकार जो टकराना व उसे संयोजी बंधों के टूटते रहने की प्रक्रिया लगातार चलने से मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल्स की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को हम एवलांच गुणन यानी कि एवलांच मल्टीप्लिकेशन कहते हैं।
देखिए एवलांच मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं, ध्यान सुनिए, टकराना व उससे सह संयोजी बंधों के टूटते रहने की प्रक्रिया लगातार चलने से मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल्स की संख्या बढ़ती जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल्स की संख्या बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को हम एवलांच गुणन यानी कि एवलांच मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इससे डायोड में रिवर्स धारा बहुत तेजी से बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, डायोड में रिवर्स धारा, रिवर्स करंट बहुत तेजी से बढ़ जाती है, बहुत तेजी से बढ़ जाती है और डायोड में एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है। और क्या होता है, इसी से जब रिवर्स करंट बहुत तेजी से बढ़ जाएगी तो उससे एवलांच ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन हो जाती है। ठीक है, जिस वोल्टेज पर यह ब्रेकडाउन होता है, जिस वोल्टेज पर यह ब्रेकडाउन होगा उसे हम एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। जिस वोल्टेज पर यह ब्रेकडाउन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। यदि इस धारा को परिपथ में प्रतिरोध लगाकर सीमित न किया जाए, यदि इस धारा को परिपथ में प्रतिरोध लगाकर सीमित न किया जाए तो डायोड अस्थायी रूप से नष्ट हो सकता है। जो डायोड होता है वो क्या होती है, परमानेंटली रूप से यानी कि अस्थायी रूप से नष्ट हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ताप बढ़ने से एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगी तो एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, क्योंकि जंक्शंस का ताप, देखिए क्यों बढ़ जाता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है यह भी एक क्वेश्चन है। तो क्योंकि जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ने से, किसका, जंक्शंस का टेम्परेचर बढ़ने से क्रिस्टल के परमाणुओं के कंपन का आयाम, क्रिस्टल के परमाणुओं के कंपन का आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेरिएशन क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए, अतः इलेक्ट्रॉनों को क्रिस्टल के परमाणु से संबट यानी कि कोलिजन की संभावना बढ़ जाती है। किसकी संभावना बढ़ जाती है, क्रिस्टल परमाणु के संगठन की संभावना बढ़ जाती है, संगठन की संभावना बढ़ जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का क्षय
यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है। ऊर्जा के इस क्षय को पूर्ति करने के लिए एवलांच प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए अधिक रिवर्स वोल्टेज की आवश्यकता होती है, अतः ब्रेकडाउन अधिक रिवर्स वोल्टेज पर होता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में। अब हम देखेंगे जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है। जीनर ब्रेकडाउन, ठीक है, इसको हम कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन।